नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो देर रात सड़क से गुजर रहे लोगों से लूटपाट करता है और उन्हें घायल कर मौके से फरार हो जाता है। ऐसा एक वाकया चंडीगढ़ में देखने को मिला, जहां पर सेक्टर 19 की मार्केट के पास एक व्यक्ति से गाड़ी में सवार 5 युवक तेज धार हथियारों से लैस हुए लूटपाट कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही पुलिस ने लूटपाट और मारपीट करते उन युवकों को देखा। पुलिस को देख लूटपाट करने वाले बदमाश गाड़ी में बैठ मौके से फरार हो गए और पुलिस ने भी उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। बदमाशों की गाड़ी एकाएक सेक्टर 22 के डिवाइडिंग रोड पर बनी ग्रिल से जा टकराई और वह बदमाश गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद मौके पर नाइट ड्यूटी पर तैनात ऑपरेशन सेल इंचार्ज अमनजोत सिंह और उनकी टीम भी पहुंची और पुलिस ने पुलिसिया जांच शुरू कर दी। गाड़ी में तेज धार हथियार और कुछ नंबर प्लेट भी मिली है। सर उस गड्डी नूं भी अगे करके ते लुटखो कर रहे थे। अच्छा, मारे हुए सर इस बंदे दे? हाँ जी सर। तुसीं डीएसपी हरजीत नाल? डीएसपी गुरजीत पर गड्डी सर 5 बंदे सीगे। 5 बंदे? हाँ जी सर। ते पंजे दौड़ गए फिर टक्कर नहीं भज गए सर। असि मैं पिछे भजन की कोशिश की फिर मैं आपको बता दें कि ये बदमाश एक ऑटो रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर पैसे लूट रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी और पेट्रोलिंग के चलते यह हादसा टल गया। हालांकि इस मारपीट के दौरान ऑटो चालक को चोटें भी आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। वहीं थाना पुलिस इस संदर्भ में मामले की गहनता से जांच कर रही है और उन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। जबकि सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के मनीमाजरा थाना क्षेत्र में लगने वाले पीपली वाला टाउन के आरे वाली गली में टीन के शेड में रुई और गद्दे बनाने वाली दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में टीन के बने शेड में रखे रुई और गद्दे जलकर खाक हो गए। हालांकि इस आगजनी की घटना में एक युवक को मामूली चोटें भी आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना प्रभारी नीरज सरना ने बताया कि रुई और गद्दे बनाने वाले 3 कैसेट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और इस आगजनी की घटना में एक युवक मामूली सा घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। ये आरे वाली गली के सामने ना एक ओपन जगह है, वहाँ पे कुछ दुकानें हैं, शेड बने हुए हैं। तो वहाँ पे दो शेडों में कुछ लोग काम करते हैं रजाइयाँ गद्दे वगैरह बनाने का। तो उनके बयानों के मुताबिक कि लाइट गई हुई थी, जैसी लाइट आई है तो एकदम से शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्किंग हुई और रुई में आग लग गई। रुई का काम था? हाँ, रुई रजाइयाँ बनाने गद्दे बनाने का काम है उनका। तो रुई में आग लगने से रुई में एकदम से आग फैली है। तो ये सब लोग बाहर आ गए, उनमें से एक लड़का था साहिल नाम का, उसके थोड़ी सी मामूली हल्की सी ये आग का सेक लगा इस जगह पे मुंह पे। वो हॉस्पिटल में है तो मैं उसको हॉस्पिटल में अभी देखने आया हूँ, तो वो लड़का ठीक है, अभी खतरे की कोई बात नहीं। बहरहाल दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ शहर में कोरोना के कम होते मामलों के बाद जहां शहर में स्कूल खोल दिए गए हैं, वहीं नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। ऐसे में प्रशासन ने मरीजों को इलाज कराने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पीजीआई की न्यू ओपीडी को सोमवार से फिजिकली खोल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पहले दिन ओपीडी में 2000 के करीब मरीज पहुंचे। वहीं डॉक्टरों की माने तो सुबह 8 बजे से 9 बजे फिजिकल कार्ड ओपीडी का समय रखा गया है। उसके बाद सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक टेली कंसल्टेशन सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। वहीं इमरजेंसी सर्विसेज न्यू ओपीडी में हमेशा खुली रहती है। जय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी हो तभी अस्पताल की ओपीडी में फिजिकली रूप से आए। वहीं इमरजेंसी सर्विसेज में वे कभी भी अस्पताल में आ सकते हैं। साथ ही मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी प्रशासन अपील कर रहा है। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि अगर आने वाले समय में कोरोना केसों में कमी आई तो फिजिकल ओपीडी का समय बढ़ा दिया जाएगा। हमने पीजीआई में आज जैसे आपको पता है थर्सडे है जब हमने ओपन किया है, 8 to 9 हमने पहले एक फेज मैनर में ओपन किया है कि 8 to 9 में हम फिजिकल कार्ड जो भी लोग आ रहे हैं उनका फिजिकल उनको ओपीडी के लिए उनको 8 to 9 का ही टाइम रखा है। रीजन भी यहाँ क्रॉनिक पेशेंट भी आते हैं, सब आते हैं, तो 8 to 9 में वो एक बार फिजिकल कार्ड बन जाता है एंड उसके बाद
9 to 10:30 हमने टेली कंसल्टेशन के लिए ही अपनी सर्विस को कंटिन्यू किया है। उसके बाद वो टेली कंसल्टेशन की सर्विसेज भी ले पाएंगे और साथ में हमारा इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा कंटिन्यू रहता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर, बहुत जरूरी है तभी यहाँ आए। 8 से 9 का टाइम है, उसमें अपना फिजिकल ओपीडी का कार्ड बनवाएं। और अगर इमरजेंसी सर्विसेज है जो पीजीआई ने कभी भी बंद नहीं किया, वो इमरजेंसी सर्विसेज में अगर पेशेंट को बहुत डायर इमरजेंसी है वो इमरजेंसी में आए, ट्रोमा में आए, और फिजिकल ओपीडी में तभी आए अगर उनको बहुत जरूरी है यहाँ, और आठ से, ताकि हम कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर सकें। बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन कोरोना के केसों में आई कमी को लेकर जीएमसीएच 32 और जीएमसीएच 16 की ओपीडी खोलने के आदेश जारी कर चुका है, जिसके बाद यहां भी फिजिकल ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं। प्रशासन ई संजीवनी ऐप के जरिए मरीजों को ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी जागरूक कर रहा है। ऐसे में अभी अस्पतालों में भीड़ न हो इसके लिए भी प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लोग भी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀਸੀ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਇਹ ਇਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਚੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ SPN ਕਾਲਜ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਐਫੀਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਲਜ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਿਸਐਫੀਲੀਏਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 18 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 8 ਮਰਲੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2015 ਦਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ 6-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਬੰਦੇ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30-7-2013 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ 2010 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ DPI ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 30-7-2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾਏ ਆ ਕਾਲਜਸ ਕੀ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਆ ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। सोमवार को इंडस्ट्रियल एरिया के सभी व्यापारियों ने अपनी यूनिट के बाहर काले झंडे लगाए व काले कपड़े पहनकर अपनी यूनिट्स बंद करके रोष मार्च निकाला। इसमें चंडीगढ़ के लगभग सभी बिजनेस एसोसिएशन और व्यापारी एकता मंच साथ देते हुए रोष मार्च में सहभागी बने। व्यापारियों की मांग है कि प्रशासन सैंपल सर्वे करवाए और लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों जिनमें लीज होल्ड और फ्री होल्ड करना और FAR रेशो को बढ़ाना और MSMED एक्ट के तहत छोटे व्यापारियों को होलसेल व्यापार करने की इजाजत देने की दिशा में कोई कारगर पॉलिसी बनाए। व्यापारियों का कहना था कि हम ये ब्लैक डे मना रहे हैं, प्रशासन को अपनी जायज मांगों के बारे में बता रहे हैं ताकि व्यापारियों का वर्ग जो कि शहर को सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स के रूप में देता है उनकी अनदेखी ना की जाए। चंडीगढ़ प्रशासन एक और तो बड़े बड़े IT पार्क और स्टार्टअप पॉलिसी बना रहा है लेकिन दूसरी ओर शहर में शुरू से स्थापित छोटे व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हर जगह मसले होते हैं, सब कुछ होता है, दंगे फसाद भी होते हैं, व्यापारी ऐसा नहीं चाहता, व्यापारी तो अपना समाधान चाहता है और हमारी जो डिमांड्स हैं वो नाजायज नहीं है। हमारी जो डिमांड्स हैं बड़ी सिंपल हैं, हम एक चीज़ कह रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्जन पॉलिसी आई थी चंडीगढ़ में, FAR बढ़ाया, कन्वर्जन पॉलिसी दे दी, उन्होंने पैसे जमा करवा दिए, छोटे प्लॉट्स को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, उनको एक कन्वर्जन नहीं दी गई। आज भी हम यही बात कह रहे हैं, सरकार जैसे ठीक समझे वैसे कर ले,
कन्वर्जन करनी है कन्वर्जन कर दे, हमारे से चार्जेस ले ले, कन्वर्जन नहीं करनी तो हमारे को एज इट इज़ काम करने दिया जाए। हम कोई यहाँ पे गलत व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग हमारे यहाँ पे है, सेल यहाँ पे होती है, कस्टमर आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है, हमारे से बात ही नहीं करती है। व्यापारी जहाँ पूरा हिंदुस्तान पूरा देश चंडीगढ़ वैलेंटाइन डे प्यार का दिन मना रहा है, उसी के हम उलट आज इसे काला दिन और ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज सारे व्यापारी काले झंडे लेके काले कपड़े पहन के आए हैं। वो ये है कि हमें जो यहाँ पे एक सर्वे गवर्नमेंट करवा रही है उसके कारण व्यापारियों को तंगी आ रही है। सिर्फ उसके कारण आज हमने ये अनशन के साथ साथ एक ये स्टेप उठाया है कि सरकार हमारे इस स्टेप से हमें इतना दुख है जो पकड़ कर रहे हैं कि हमारी बात सुने, हमारे बीच में आके बात सुने। गौरतलब है कि इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी पिछले 8 दिनों से संघर्षरत है और पिछले 3 दिनों में उन्होंने अपनी यूनिट्स भी बंद रखी है और ट्रिब्यून चौक पर रोष मार्च भी निकाला है। व्यापारी एकता मंच की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन उन्हें बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करे, वरना ये संघर्ष पूरे शहर की हर मार्केट में मजबूरन मंच को करना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। अधिकारियों ने हमें कहा है कि अगर क्योडक टोल के ऊपर या घरुंडा टोल के ऊपर या किसी भी टोल के ऊपर हरियाणा के अंदर 10-10 किलोमीटर का एरिया फ्री है और हम वो नोटिफिकेशन मंगवा लेते हैं, वहाँ का जो ऑपरेशन ऑफिसर है उससे वो नोटिफिकेशन मंगवा लेते हैं, अगर वहाँ पर फ्री है तो हम इसको भी फ्री करेंगे, जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब प्रदेश एक है तो नियम भी एक होना चाहिए। हम कोई पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तो बैठे नहीं कि यहाँ पर हमारे ऊपर नाजायज टोल लगा दिया गया। मोहम्मद जी, एक साइड का 180 रुपये टोल है, आना जाना 360 रुपये, अगर किसी के चार चक्कर लगे 2000 रुपये चले गए। कोई बंदे मरीज भी हैं, हमारी चौकी भी है, अलीपुर वालों की तहसील बरवाला है, मार्केट बरवाला है, आना जाना हमारा लगा रहता है। हमारी कोई असंभव मांग नहीं है, हम जायज मांग के ऊपर यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। तो क्या इससे पहले भी किसी को अवगत कराया गया था इस समस्या के बारे में? हमने जो एक चैनल था, एक चैनल के माध्यम से हमने इनको भी ज्ञापन दिया, टोल के ठेकेदार को, जो जिला के उपायुक्त हैं, सबसे बड़े अफसर हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के, डीसी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया। डीसी साहब ने कहा मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, अब तक उनकी इंक्वायरी नहीं हो पाई। हमें आज मजबूरन 5-7 दिन पहले हमने यहाँ पर इकट्ठा होने का निर्णय लिया था, आज मजबूरन सारे इलाके के लोग यहाँ पर मजबूरी में इकट्ठा हुए हैं। तो कितने गांव हैं जिनका टोल फ्री कराने के लिए? हमने 18 गांवों का अभी ज्ञापन दिया है, लेकिन हम 5 किलोमीटर से इसको 10 किलोमीटर फ्री करवाएंगे कि 10 किलोमीटर इसको फ्री किया जाए। वो जो पब्लिक यहाँ पर बैठी है, बुद्धिजीवी जो लोग बैठे हैं, पंचायत जो भी निर्णय लेगी, हम उस निर्णय को सर माथे रखकर वही लागू करेंगे। आज वैलेंटाइंस डे है, यानी प्यार के जज्बात को बयां करने का दिन। सबसे रोमांटिक दिन 14 फरवरी प्यार करने वालों का दिन कहलाता है। इस दिन का प्रेमी जोड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। वैलेंटाइंस डे पर अपनों को स्पेशल महसूस करवाने का एक अलग ही उत्साह होता है। आज के दिन लोग अपने दोस्त या पार्टनर से प्यार का इजहार करते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं तो वैलेंटाइंस डे से बेहतर दिन कोई और नहीं हो सकता। वैलेंटाइंस को लेकर रेस्टोरेंट से लेकर दुकानें सभी सजे होते हैं और बाजारों में भी अलग ही चहल पहल दिखाई देती है। वहीं अगर बात करें द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की, तो गेड़ी रूट पर वैलेंटाइंस डे को लेकर खासा ही उत्साह देखने को मिलता है। इसी को देखते हुए आज चंडीगढ़ में पुलिस काफी मुस्तैद दिखी। किसी भी तरह से माहौल खराब न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर पुलिस जवानों की तैनाती रही। पुलिस द्वारा चंडीगढ़ की तकरीबन हर मुख्य सड़क पर नाके लगाए गए। चंडीगढ़ के गेरी रूट पर एंट्री और एग्जिट पर पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग की गई। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी पुलिस का सख्त पहरा रहा। वहीं वैलेंटाइंस के माहौल के बीच कुछ युवक युवतियां रोज गार्डन में प्यार का इजहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइंस डे प्यार का दिन होता है और सभी इस दिन अपने अपने तरीके से प्यार का इजहार करते हैं। हाँ जी, अज वाइफ मेरी मेरे नाल, मैं बहुत खुश हूँ, एडो बड़ा कोई दिन मेरे लिए हो नहीं सकता।
ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। वहीं चंडीगढ़ में दुकानों पर भी काफी रौनक देखने को मिली। वैलेंटाइंस डे पर दुकानों पर काफी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी और लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स के लिए गिफ्ट्स खरीदते हुए नजर आए। अपने पति को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ठीक है, और वैसे तो वैलेंटाइन डे हम एक दिन मनाते हैं, बट हमें जहाँ प्यार होता है वहाँ हमें डेली ही सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक दिन वैलेंटाइन डे है, हमेशा हमें प्यार से रहना चाहिए, प्यार से अपनी जिंदगी निकालनी चाहिए। प्यार का त्योहार कहे जाने वाला वैलेंटाइंस डे वादों और चाहतों की सौगातें लेकर आता है। इसी कड़ी में आज प्रेमी जोड़े और अपने एक दूसरे से इजहार इश्क करते हुए नजर आए। वहीं जनता की खुशियों में कोई खलल न पड़े इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जवान हमेशा की तरह शहर भर में मुस्तैद नजर आए। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे एक बार फिर वही गुजारिश कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, कोरोना से खुद भी बचें और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी बचाएं। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहें पंजाब के सी टीवी के साथ। नमस्कार।